नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल दिलचस्प रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ चना दाल के पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से तैयार किया जाता है। चना दाल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चना दाल को भिंगो करके रखा हुआ है, ये अच्छे से फूल चुकी है। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। चने की दाल को यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब कैप लगा लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे और नहीं ज़रूरत पड़ी तो हम नहीं ऐड करेंगे। वैसे आप ट्राई कीजिए कि चने की दाल को आप ऐसे ही ग्राइंड कर लें तो इसके पकौड़े काफ़ी टेस्टी बनते हैं। चने की दाल को मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, तो चलिए पकौड़ों के लिए अब मिक्स तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे, जैसे प्याज, यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, पत्ता गोभी ऐड करने से हमारे जो पकौड़े हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं डालना। एक हरी मिर्च को मैंने कट करके ले लिया है, धनिया की पत्ती। अब मसाले ऐड कर लेंगे, हल्दी का पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है इसलिए लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अजवाइन 1/4 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। हम जो पकौड़े बना रहे हैं बहुत ही कम तेल में यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, लेकिन ये पकौड़े काफ़ी टेस्टी होंगे कम तेल में फ्राई करने के बाद भी। तो सभी चीज़ों को मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको सारे पकौड़ों को फ्राई करना है। यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चलिए पकौड़े बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पैन में हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑयल हमारा हीट हो चुका है। अब एक एक करके हमें सभी पकौड़ों को पैन में डालना है। इस तरीके से आप पकौड़ों को शेप दे दीजिए और इस तरीके से आपको पैन में पकौड़े डालने हैं। सारे पकौड़े को हम इसी तरीके से पैन में ऐड कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक साइड से पकौड़े फ्राई होने देंगे। एक साइड से जब पकौड़े हमारे फ्राई हो जाएंगे फिर सारे पकौड़ों को हम यहाँ एक एक करके पलट लेंगे। यहाँ पे पकौड़ों को मैंने ऐड कर लिया है, अब इसको फ्राई होने देते हैं। अब हम पकौड़ों को पलट करके चेक करेंगे ये फ्राई हुए हैं या फिर नहीं। ये देखिए, हल्का सा जो पकौड़ा है वो एक साइड से फ्राई हो चुका है। इसे क्रंची करने के लिए हमें और फ्राई करना है, बट इस स्टेज पे आप सभी पकौड़ों को एक एक करके यहाँ पे पलट सकते हैं। अब ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत ही कम तेल में इसी तरीके से पकौड़ों को पलट करके फ्राई करना है। इससे एक तो पकौड़े काफ़ी क्रंची हो जाएंगे आपके और तेल की क्वांटिटी भी आपको बहुत ही कम लगेगी। यहाँ पे बहुत कम तेल में आप बहुत ही टेस्टी पकौड़े यहाँ पर तल करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सभी को पलट लिया। गैस के फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, हाई या फिर लो नहीं करना। हाई करने पे पकौड़े जल जाएंगे और अगर आप लो फ्लेम पे यहाँ पे फ्राई करेंगे तो यहाँ पे जो पकौड़े हैं वो ज़्यादा मात्रा में ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा ऑयली पकौड़े आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से सभी पकौड़ों को यहाँ पे हम पलट लेंगे। बार बार पलटते हुए आपको पकौड़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन कलर की नहीं हो जाती है। इसको डीप फ्राई करना है, नहीं तो पकौड़े बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। यहाँ पे बहुत ही कम तेल में आज हम पकौड़े बना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कम तेल की क्वांटिटी होने के बाद भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पकौड़ों को फ्राई करने में। तो फिर हम ज़्यादा ऑयल डाल के पकौड़े फ्राई क्यों करेंगे, अगर हम कम तेल में ही अच्छे से पकौड़े फ्राई कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जिधर से आपका पकौड़ा फ्राई नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने थोड़े से ये जो पकौड़े हल्के से बड़े साइज़ के डाल दिए थे ये वाली, तो ये साइड से फ्राई नहीं हुई थी। तो इस तरीके से आप इसको पलट करके फ्राई कर सकते हैं, सभी तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी अगर आप इस तरीके से इसको कर देते हैं। तो ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही कम ऑयल में हमारे सारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन सबों को निकाल करके हमें प्लेट में डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये पकौड़े की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पर। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए।